एक सहाबी ने अर्ज की, हुजूर नमाज में दिल नहीं लगता, मेरा कुरान पाक में दिल नहीं लगता, दुरूद और सलाम में दिल नहीं लगता। आमिना के मासूम लाल ने क्या जवाब दिया? हुजूर ने फरमाया, जा अपनी नजर जाके पाक कर ले, अल्लाह के नबी का वादा है तेरा सजदे में दिल लगने लग जाएगा। जा अपनी आंख को तहारत दे, वुजू करा, नजरों को पाक कर, अल्लाह के रसूल का वादा है तेरा कुरान पाक में दिल लगेगा। जा जाके अपनी नजर को पाक कर, वादा है तेरी जुबान पे दुरूदो सलाम जारी हो जाएगा, अल्लाह का जिक्र जारी हो जाएगा। मेरे भाइयों, औरत का पर्दा, औरत का हिजाब दीन में उसी तरह फर्ज है जिस तरह नमाज फर्ज है, जिस तरह रोजा फर्ज है, जिस तरह ज़कात फर्ज है, उसी तरह औरत का पर्दा भी फर्ज है। अगर किसी घर में औरत पर्दा नहीं करती, उस घर के मकीन सारे अल्लाह के हुजूर जवाब दे हैं। मेरे हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने जिस औरत को पसंद किया, जिस औरत की तारीफ की, जिस औरत की बाबत मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, और बड़े खूबसूरत लफ्ज़ हैं साहिब अहकामुल कुरान ने लिखे हैं। मेरे हबीब पाक ने सहाबा की महफिल सजाई, मजमा खचाखच मस्जिद भर गई। हुजूर ने फरमाया, बोल के बताओ खैरुन निसा कौन सी है, औरतों में सबसे अच्छी बीबी कौन सी है, बोल करके बताओ। हजरत सिद्दीक अकबर से लेकर मौला अली तक, हजरत अली से लेकर जनाब बिलाल तक, हजरत सलमान फारसी से लेकर अब्दुल्ला मुजनी तक भरा पड़ा है मजमा। हुजूर ने फरमाया, बोलो सबसे अच्छी औरत, सबसे अच्छी औरत कौन होती है? एक सहाबी कहने लगे, हुजूर जिसकी नमाज कज़ा न हुई हो। पर मैं, वो भी अच्छी है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक ने कहा, हुजूर जो खामद की ताबेदार हो। फरमाया, वो भी अच्छी है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह जो पाक दामन हो। हुजूर ने फरमाया, तुम मेरी मुराद को। हजरत अली फरमाते हैं, जब सबके जवाब गलत हो गए तो मैं, कद मेरा छोटा था, मैं पीछे बैठा था, मैं गर्दन झुका के पीछे से निकल गया। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, बीबी साहब के पास पहुंचा। मैंने कहा, फातिमा हुजूर ने सवाल किया है। तो हजरत फातिमा भी गोया मुस्कुरा के कहने लगी, इलम के शहर के दरवाजे तो आप ही हैं, तो आप यहाँ आ गए। कहा, हुजूर ने सवाल किया है और मुझसे लेकर अबू बकर उमर उस्मान गनी तमाम को, किसी को जवाब नहीं आया। हुजूर ने पूछा, बेहतरीन औरत कौन होती है, बेहतरीन खैरुन निसा, बेहतरीन बीबी कौन होती है? हजरत सैयदा फातिमा कहने लगी, अली बड़ी सादी सी बात थी, सादी सी बात थी, समझ नहीं आई। का फातिमा बतला दो, इतनी सादी है तो? हजरत फातिमा कहने लगी, सबसे बेहतरीन औरत वो होती है न कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो। अगले जुमले भी याद रखने, ना कभी गैर महरम ने वो बीबी देखी हो। और फरमाया, ना उस बीबी ने कभी कोई गैर महरम देखा हो। सिर्फ मर्द पे पाबंदी नहीं कि वो औरत ना देखे, फरमाया औरत पे भी पाबंदी है कि वो भी गैर महरम का चेहरा न देखे। फरमाया, बीबी ने भी गैर महरम न देखा हो, वो खैरुन निसा है, वो सबसे आला। हजरत अली कहते, मैं झट से आया, पीछे बैठा, बात अभी जारी थी, मैंने हाथ खड़ा कर दिया। मैंने कहा, हुजूर मैं बताऊं? नबी पाक ने फरमाया, बतलाओ। तो कहते, मैंने कहा, हुजूर बेहतरीन बीबी वो होती है जिसने ना कभी गैर महरम देखा हो और ना गैर महरम ने कभी उसे देखा हो। अली फरमाते हैं, मैंने जवाब दिया तो मेरे रसूल की आंखों में आंसू आ गए। हुजूर रोए और फरमाते, हंसते मुस्कुराते अचानक सहाबा के आंसू बरसने लगे। मजमे पे कैफ सा तारी हो गया, आंखें बरसने लगी। हम लोग हुजूर के रोने पर सख्ते में आ गए। नजर उठाई तो जवाब तो मैंने दिया था, तारीफ मेरी होनी चाहिए थी, शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी। मेरे हबीब ने रो के आंसू पूछ के फरमाया, मैं तुम्हें कहता नहीं, अल फातिमा तो बिदा तो मिन्नी, फातिमा वाकई मेरे जिगर का टुकड़ा है, फातिमा मेरे वजूद का हिस्सा है, मैं तुम्हें कहता नहीं रहता। कहा, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। हजरत अली फरमाते हैं, सहाबा मेरी तरफ देखने लगे और कहने लगे, अली जवाब तू दे, शाबाश बीबी साहबा को मिले। तो कहते हैं, मैंने कहा, हुजूर रोए हैं तो आंसू मेरे भी छलक ही पड़े हैं। फरमाने लगे, लफ्ज मेरे हैं पर सोच उस बेटी के है जिसकी तरबियत मोहम्मद अरबी ने फरमाई है। फरमाया, जुमले मेरे हैं, नाकिल मैं हूं, बात मैं बयान कर रहा हूं, लेकिन पीछे सोच उस नूर वाली बेटी की है जिसको अपने घर के अंदर रह के, आंगन में रख के रसूल पाक ने परवरिश फरमाई। हजरत फातिमा फरमाती है, हजरत अली मेरे पास दौड़े आए और कहने लगे, फातिमा चल मस्जिद, पता नहीं हुजूर को क्या हो गया। हुजूर रो रो के बेहाल हो गए और हुजूर हुजरे में रो रहे और हिचकियों की आवाज मस्जिद में आ रही है। चल जरा चल के हुजूर की बात देख, क्या हुआ है, हमारी तो ताकत नहीं अंदर जाने की। सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा झट से पर्दा ओढ़ा, हाजिर खिदमत हुई, अंदर गई। कहती हुजूर के कंधे पे हाथ रखा तो महबूब बेटी के हाथ की ठटक महसूस की, सर सजदे से उठाया। फरमाया फातिमा आ गई हो। हुजूर आई, फरमाया चल बेटी तू भी हाथ उठा और मेरी उम्मत की बेटियों के लिए दुआ मांग। चल तू भी हाथ उठा, मेरी उम्मत की बहनों माओं के लिए दुआ मांग। महबूबा क्या हुआ? मेरे हबीब ने फरमाया रात मुझे दिखाया गया है दोज़ख में कुछ बीबियां हैं, उनके बाल फरिश्तों ने बांधे हुए हैं और उन्हें गुर्ज मार रहे हैं। वो चीखती चिल्लाती है और मदद के लिए पुकारती हैं, बड़ी तकलीफ में हैं। तो बीबी साहब अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह उनकी गलती क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, वो बारीक दुपट्टा ओढ़ती थी, उनके बाल चमकते थे, गैर महरमों की नजर पड़ती थी, उन्हें दोज़ख में सजा मिलेगी, वो चिल्लाएंगी चीखेंगी, उनकी मदद को कोई नहीं पहुंचेगा। चल तू हाथ उठा दुआ मांग। हजरत फातिमा उम्मत को पैगाम देती हैं पर्दा ओढ़ दो, हिजाब में आ जाओ, अपने आप को रसूलुल्लाह की बारगाह में झुका दो। मेरे भाई आज दिन ब दिन जैसे जैसे लोग कहते हैं डिग्रियां बढ़ गईं, लेकिन उसके साथ साथ बीबियों का हिजाब उतर गया, सड़कें भी भर गईं। मेरे भाई हर महकमे में औरतें बैठ गईं, हर जगह बीबियां आ गईं, बैंक में औरतें आ गईं, प्लाजो में औरतें आ गईं, दफातर में औरतें आ गईं, जगह 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 गुनाह के अड्डे कायम हो गए। हबीब करीम सैयद आलम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बीबी घर से निकलती है शैतान उसे ताड़ता है, वसवसा अंदोजी करता है, औरत नाजुक होती है, अकल की आदी होती है, उसको लोग वसवसे में डाल लेते हैं। पाकिस्तान का तजदिया निगार कहता है अगर 100% पसंद की शादियां होती हैं उनमें 40% लड़के अपने घर वालों को मजबूर करते हैं, 60% लड़कियां मजबूर करती हैं, 60% उनके अंदर ऐसी शैतानियत भरी जाती है, कमजोर अकल होती है, उसे ऐसे ऐसे बागात दिखाए जाते हैं, उलझ जाती है और जिस तेजी से ये जाली निकाह होते हैं उस तेजी से तलाक होती है। वो बेटी जो कालिज चुंगल में फंस के जिद्दत के चुंगल में अपनी मर्जी करते हुए मैदान में निकली थी, सारी जिंदगी का धब्बा लगा के घर बैठ गई। लड़का तलाक दे के भी पाक का पाक ही रहता है और बेटी की मंगनी भी टूट जाए तो लोग कहते हैं कोई ना कोई बात तो होगी, ऐसे थोड़ी हो जाता है। बेटियों तुम्हें रुसवा किया जा रहा है, बहनों तुम्हारी इज्जत से खिलवाड़ हो रहा है, तुम्हें बाजार की जीनत बना के तुम्हारे असल मकाम से तुम्हें गिराया जा रहा है। तुम समझ रहे हो हम जदीद हो गई लेकिन तुम्हारा नुकसान हो रहा है, तुम्हें रुसवा किया जा रहा है। आओ दरे रिसालत माप पे आओ, मेरे नबी पाक के दरवाजे पे। मेरे हबीब ने फरमाया जिस बीबी में 4 खूबियां हो, कितनी हो जी? ये आपने दुआ करनी, अल्लाह करे मेरी बेटी में 4 खूबियां आ जाए, अल्लाह करे मेरी बहन में 4 खूबियां आ जाए, अल्लाह करे हमारी घर की मस्तूरात में ऊंचा आमीन कहिए, सब में 4 खूबियां, अल्लाह करे भर जाए 4 खूबियां। मेरे हबीब ने फरमाया जो बीबी जरूरियात दीन का इल्म जानती हो, दूसरी खूबी उस बीबी के अंदर ये हो कि वो बीबी अपने खामन को राजी करने वाली हो, तीसरा फरमाया उस बीबी में खूबी ये हो कि अल्लाह के मुहर्रमात का ख्याल रखती हो, हराम में ना पड़ती हो, चौथा फरमाया पर्दे की पाबंद हो। फरमाया जैसे ही वो मरती है अर्श का मालिक उससे हिसाब ही नहीं लेता, उसे बगैर हिसाब किताब ही जन्नत अता फरमा देता है। जो पर्दे की पाबंद हो, खामद राजी हो, मुहर्रमात से बचती हो, फरमाया वो बीबी अल्लाह तबारक व तआला उससे कोई हिसाब किताब बगैर हिसाब के अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल कर देंगे, रब हिसाब नहीं पूछेगा। अल्लाह करे मेरी बेटी भी बगैर हिसाब जन्नत जाए, माएँ बहन बीवियां बगैर हिसाब जन्नत में जाए। अल्लाह करे हम सब के घरों में जितनी औरतें हैं उनसे कोई हिसाब ना लिया जाए, बगैर हिसाब ही जन्नत में जाए। फिर उन्हें पर्दे का पाबंद करो, फिर उन्हें शौहर की ताजीम सिखाओ, फिर उन्हें हराम से बचना सिखाओ, फिर उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का उस्वा-ए नूर सिखाओ, फिर उन्हें हजरत आयशा की सीरत पढ़ाओ, फिर हजरत खदीजतुल कुबरा का तरीका बतलाओ, फिर उन्हें रसूलुल्लाह की कनीज़ाएं बनाओ। अल्लाह करे हम यहाँ से जुमा पढ़ के जाएं तो हमारे हाथ में एक बुरका भी हो, हमारे हाथ के अंदर जो है वो एक बड़ी चादर भी हो, अम्मा को कहे अम्मा ये चादर रख, इससे नकाब ओढ़ के निकलना। अल्लाह करे चौधरी साहब सरपंच साहब की पंचायत में कोई ऐसा मुकदमा भी आए जो आके कहे मैं बीवी नहीं रख सकता, ये पर्दा नहीं करती, ये कहीं मुझे भी अजाब में मुब्तला ना करे। अल्लाह करे शौहर इस तरह का गैरतमंद बने, वो कहे खबरदार खबरदार अगर तू दरवाजे से निकली। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदीन मिल्लत मेरे आला हजरत से किसी ने पूछा था हजरत जी बीबी नात पढ़ सकती है? फतावा रज़विया की 14वीं जिल्द बीबी मिलाद पढ़ सकती है? मिलाद आला हजरत ने फरमाया अगर बीबी मिलाद पढ़ रही हो, नात पढ़ रही हो और उसकी आवाज गैर महरम के कानों तक जा रही हो फरमाया उसे सवाब नहीं होगा, उसे हराम काम करने का गुनाह दिया जाएगा। बीबी को मना है, वो नाच की आवाज भी औरत का ही नहीं पड़ता, दीन में तो औरत की आवाज का भी पर्दा है। दीन में तो औरत की हजरत सैयदा ज़ैनब, हजरत फातिमा की वो लखते जिगर जो मैदान करबला में इमाम हुसैन बराबर की शरीक रही सैयदना इमाम हुसैन के साथ। याहया बिन मोइन कहते हैं मैं 15 साल तक हजरत ज़ैनब का पड़ोसी रहा हूं। 15 साल घर बराबर होता है ना, बंदा बीबी देख ही लेता है। वो बीबी कभी पर्दा डाल के जा रही है दवाई लेने, कभी नजर आ ही जाती है। कहते हैं 15 साल में सैयदा फातिमा की बेटी का पड़ोसी रहा हूं, मैंने कभी बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी नहीं देखी, बुरके में छुपी हुई ज़ैनब भी कभी नहीं देखी। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर, कूड़ा तख्त दुनिया दा बाहू, फिक्र सच्ची बादशाही हो। जिस दिल से मैं अल्लाह दा चमके, इश्क भी करदा हले।